इंसान का एंड क्या क्या सीखने मिला। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और सब ट्रेलर के साथ सबको पसंद कर लिया। तो मेरी सिलेक्शन की थोड़ी एक स्टोरी है, लंबी है, वो फिल्म रिलीज होने के बाद मैं बताता हूँ। बट मैं अपना जो थैंक्स है वो तीन पार्ट में करना चाहूँगा। पहला थैंक्स मैं आदि सर को और अब्बास सर को करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं मतलब मेरे बोलते हुए भी मैं शिवर कर रहा हूँ कि भाई का बड़ा भाई, मतलब ये तो मैं सपने में भी नहीं सोचा था। मतलब दिल्ली से जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो रहा था तब भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। तो उस काबिल समझने के लिए थैंक यू सो मच सर। और दूसरा, दुनिया के सबसे मेहनती इंसान के साथ फ्रेम शेयर करना, मतलब मुझे लगता है किस्मत बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में सक्सेस लाने के लिए, बट उसके पीछे की मेहनत को देखना और एडमायर करना जरूरी है। तो मैं भाई से IB71 के टाइम पे मिला था, बट शायद मेरी किस्मत कुछ अच्छा जानती थी इसलिए मेरे को क्रैक का हिस्सा मैं बना। तो 15 साल में 10 साल की जो मेरी मेहनत है शायद वो मुझे यहाँ तक भाई के पास लाके खड़ा कर पाई है। और जब मैं पहली बार मिलने गया तो मैं ऐसा लग रहा था मैं फूल ही नहीं समा रहा था, जैसे कोई लड़का किसी सुंदर लड़की से रिश्ते के लिए मिलने जाता है ना तो ऐसे गदगद हो जाता है अंदर से। तो मैं ऐसे शिवर कर रहा था, तो मैं भाई के लिए एक छोटा सा हनुमान जी लेके गया था क्योंकि मैं भाई को बहुत मानता हूँ। और तीसरा थैंक्स मैं करना चाहूँगा ऑफकोर्स माता पिता का, क्योंकि घर से दूर रहना, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ आना। और सबसे बड़ा जो है वो मैं मानता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज को, और मेरे लिए मेरे महाराज क्रैक में आदि सर थे। वो मुझे था कि मुझे अपना सब कुछ सर्व करना है, जो इन्होंने निहाल में देखा है अगर मैं उसको नहीं सर्व कर पाया तो मैं फिर किस बात का उन्होंने मेरे बताओ खेला। तो वो प्रूव करने के लिए मुझे पूरा जोर लगाना पड़ा और हर शॉट से पहले मैं आगे बंद करके महाराज का नाम लेता था और दिल में ये कहता था कि ये क्रैक मेरी लाइफ की उस हर स्ट्रगल को क्रैक कर दे जो मुझे कहीं और लेके जा सकती। छत्रपति शिवाजी महाराज की। देयर इज सो मच दैट वी नीड टू टॉक अबाउट दिस।